नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर त्यागी, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है द लग्जरी रियल्टी। अब दोस्तों आज पीर मुशल्ला की लोकेशन पे मैं आपको लेके आया हूँ जो बिल्कुल एडजॉइनिंग आपका ओल्ड काल का हाईवे के ऊपर पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ जो 6th और 7th फ्लोर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली स्टिल प्लस 7th फ्लोर का रहेगा। यहाँ पे मैं आपको आज देने जा रहा हूँ पेंटा हाउस, जिसका बेसिकली जो साइज रहेगा वो आपका 3186 स्क्वायर फीट रहेगा, जो बहुत ही बिगर साइज आ जाता है प्राइस सिटी के अंदर एक पेंटा हाउस के लिए। इसका जो प्राइस रहने वाला है वो आपका 1.5 CR रहने वाला है, मतलब 1.5 करोड़ रहने वाला है। और ये बिल्कुल ही एक हाईवे की लोकेशन है, मतलब इसे आपका ओल्ड काल का हाईवे तो बिल्कुल नियर बाय टच कर ही रहा है। साथ के साथ जो PR7 रिंग रोड रहने वाला है वो आपका 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। इसी के साथ साथ इसी एरिया के अंदर आपका, इससे मतलब आप ये कह सकते हैं तकरीबन 300 मीटर के डिस्टेंस में आपका 100 एकड़ का लेजर वैली पार्क आने वाला है। और स्कूलिंग की बात करूं तो 3 से 4 ऐसे इंटरनेशनल स्कूल चेन है जो आपके बिल्कुल 500 मीटर के रेडियस में रहेंगे। हॉस्पिटल्स ऑल केमिस्ट या सेक्टर 6 का आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल कह लीजिए या मेयर हॉस्पिटल कह लीजिए, ये 3 से 4 हॉस्पिटल्स भी आपके यहाँ से तकरीबन ये लगा लीजिए कि 500 मीटर से स्टार्ट हो गए, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में है। मार्केट पीर मुशल्ला की तो आप जानती हैं, साथ के साथ सेक्टर 20 की मार्केट भी यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ेगी आपको। मतलब जो आपका डेली नीड्स की जो आपको चीज चाहिए या डेली बेसिस पे आपको जो चीज चाहिए वो आपके 3 से 4 किलोमीटर के या 200-300 मीटर के रेडियस में आपको सारी मिल जाएंगी। इसी प्रोजेक्ट के सामने बैक साइड पे अगर जो मैं दिखाऊं, ये सारे शोरूम्स हैं जहाँ पे आपकी मार्केट्स हैं, जैसे डेली नीड शॉप्स, केमिस्ट होगी, ये सारी की सारी बिल्कुल आपको पास मिलने वाली है। तो दोस्तों ये हमारा 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अभी हम घूम रहे हैं। ये एक एकड़ का आपका पार्क रहेगा, साथ के साथ इसके अंदर आपका 10,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आ जाएगा जो बिल्कुल बैक साइड पे बनने जा रहे हैं। साथ के साथ इसमें आपका स्विमिंग पूल रहेगा। क्लब हाउस के अंदर हमारे जिमनेजियम आ गया, लाइब्रेरी आ गया, योगा मेडिटेशन सेंटर आ गया, स्विमिंग पूल आ गया, और जो पार्टी हॉल है, कम्युनिटी हॉल होता है, वो भी बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत ही एक प्रीमियम सेगमेंट में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसा रेट वैसा भेज, बेसिकली जो चीज आपको इस टाइम में दिखाने जा रहा हूँ अभी आपको एक बार में व्यू पे लेके चलूंगा पेंटा हाउस के। तो चलते हैं दोस्तों एक बार पेंटा हाउस देखें, आइए। तो अब हम आ चुके हैं अपने पेंटा हाउस को व्यू देखने। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट रहने वाले हैं, बेसिकली एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, बीच में आपको स्टेयर प्रोवाइड करी गई है, फायर फाइटिंग सिस्टम भी आपको बिल्डर ने प्रोवाइड करके दिया हुआ है, हाई स्पीड एलिवेटर भी आपको एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स के लिए एक प्रोवाइड हो रही है। अब एक बार अंदर चलते हैं। 8 फुट का आपका डोर रहेगा, साथ में डिजिटल लॉक रहेगा आपका। अंदर आइए। अंदर आने के बाद ये हमारा सबसे पहले आ गया ड्राइंग और डाइनिंग एरिया, जिस एरिया में अभी हम खड़े हैं ये आपका ड्राइंग एरिया आ गया, और बिल्कुल सामने अगर जो आप देखें तो वो हमारा डाइनिंग एरिया हो गया, या फिर यहाँ कर लीजिए या फिर आप वहां कर सकते हैं। फॉल सीलिंग आपको प्रॉपर प्रोवाइड करके दे रहे हैं, ड्राइंग डाइनिंग के साथ मैश डोर और UPVC ग्लास डोर भी आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। फ्रंट की बालकनी आप इस तरीके से कुछ स्पेस देख सकते हैं, जितने फ्लैट रहेंगे सारे के सारे पार्क फेसिंग और क्लब हाउस फेसिंग रहेंगे हमारे। अंदर आइए। AC की डक्टिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, जितने भी केबल कनेक्शंस रहेंगे सबके सब पहले ही बिल्डर आपको इन बिल्ड करके दे रहा है। अभी हम आगे अपनी किचन के अंदर, किचन का आप साइज देखिए, अगर जो यहाँ पे आपके 6 से 7 पर्सन भी खड़े हो गए तब भी आपको जो स्पेस है वो काफी अच्छी खुली डुली स्पेस है। इलेक्ट्रिकल पैनल, फ्रिज आपको एरिया अलग प्रोवाइड किया गया है, डबल सिंक आपको अलग प्रोवाइड करी गई है, किचन का वेंटिलेशन ऑप्शन आपको अलग प्रोवाइड करा गया है। अब हमारी बारी है एक बार रूम की तरफ चलने के लिए, एक बार रूम दिखाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट बेडरूम की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आप सबसे पहले तो रूम का साइज देखिए। साथ के साथ इस घर में अभी कोई भी लाइट नहीं जल रही, आप सन लाइट की एक बार देख लीजिए कि घर पूरे घर में सन लाइट जल रही है, तो आपको लाइट की जरूरत नहीं है। साथ के साथ एयर वेंटिलेशन, क्योंकि 6th और 7th फ्लोर है, ये आपका ड्रेसिंग एरिया, कबर्ड्स प्रॉपर प्रोवाइड करके दिए गए, और जैक्वार सेरा की फिटिंग के साथ आपको वॉशरूम प्रोवाइड करा गया है, मतलब 4 कमरे रहेंगे, 4 कमरों के साथ 4 वॉशरूम आपके रहने वाले हैं। बैक साइड पे एक बार दिखाना चाहूँ आपको, सेकंड बालकनी जो हमारी बैक साइड है, ये बोथ साइड फ्लैट रहने वाले हैं जो एक रूम को कनेक्ट करते हुए सेकंड बेडरूम को भी आपको कनेक्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम में, आ जाइए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है क्योंकि फ्लैट का साइज ही बहुत बड़ा है हमारा। सेकंड बेडरूम में हम आ चुके हैं जिसके अंदर आपको वार्डरोब्स अलग प्रोवाइड करी गई है, साथ के साथ आपको पूरी फॉल सीलिंग। इस बेडरूम को भी आपका एक विंडो डोर प्रोवाइड हो रहा है,
और साथ के साथ सेकंड वॉशरूम प्रोवाइड हो रहा है जैगुआर सेरा फिटिंग के साथ। एक बार ये अब ऊपर चलते हैं हम, ये हम 6th फ्लोर थे, अब 7th फ्लोर की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं। स्टेयर के हिसाब को 6th फ्लोर से लेके 7th फ्लोर पे लेके जा रही है। आ जाइए यहाँ पे, अब हम ये वाला जो एरिया रहेगा ये आपका फैमिली लॉन्च रहेगा। यहाँ पे भी एक छोटी सी किचन बना के आपको दिखाई गई है, ताकि अगर जो ऊपर आप दो फैमिलीज हैं, एक ऊपर रह रही है एक नीचे रह रही है, तो एक छोटी किचन आप यहाँ भी तैयार कर सकते हैं। अब चल रहे हैं हम अपने थर्ड रूम की तरफ। थर्ड रूम में हम आ गए, देन फिर से वही आपका वार्डरोब प्रोवाइड करके दिए गए हैं, फॉल सीलिंग साथ के साथ, फिर से ड्रेसिंग एरिया के अंदर भी आपको कबर्ड्स प्रोवाइड करके दिए हैं, और वॉशरूम जैगुआर सेरा की फिटिंग के साथ। आप अंदर आके जरा इसका स्पेस देखिए, बहुत ही अल्टीमेट स्पेस है। बॉटम टू टॉप तक आपको टाइल प्रोवाइड करके दी गई है यहाँ पे। अब चल रहे हैं फोर्थ बेडरूम में, आ जाइए। फोर्थ बेडरूम का भी यही कंसेप्ट रहेगा, सेम वार्डरोब प्रोवाइड करके दी है, स्लाइडिंग वॉशरूम हमारा रेडी हो रहा है, और साथ के साथ इस रूम को बैक साइड की बालकनी आपकी कनेक्ट कर रही है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं इस फ्लैट का जो सबसे मेन और पीक चीज है, आपकी फ्रंट की बालकनी। आप दोस्तों ये स्पेस देखिए कितना बड़ा स्पेस है, जैसे मर्जी पार्टी करिए, जैसे मर्जी बैठिए, जैसे मर्जी रहिए, मतलब आपको ये वाला एरिया बहुत सफिशियंट है। और इसका अगर जो मैं आपको फ्रंट से व्यू दिखाऊं, प्रॉपर क्लब हाउस को लग रहा है, पार्क को लग रहा है, सामने आप ग्रीन स्पेस देख सकते हैं, सामने बच्चे खेल रहे हैं स्कूल के अंदर, मतलब बहुत अल्टीमेट लोकेशन के अंदर मैं आपको ये पेंटा हाउस देने जा रहा हूँ। अगर जो आप लग्जरी रियलिटी आपके थ्रू आते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, दे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ प्लीज शेयर करो, और बिना सब्सक्राइब करे दोस्तों मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।